Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from biomolecules. And आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक एल्डोस जो होता है, एक कार्बोहाइड्रेट एल्डोस विच कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप, और एक कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कीटोस कहते हैं जिसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है. एक एल्डोस और कीटोस को एक दूसरे में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ कैन वी कन्वर्ट एन एल्डोस इनटू अ कीटोस और वाइस वर्सा, दैट विल बी आवर टुडेज लेक्चर. तो समझ लीजिए बेटा, मेरे पास एक कंपाउंड है CHO CHOH होल 4 CH2OH CH2OH. ये देख लीजिए, मेरे पास जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में यहां पे CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप. सो ये वाला कार्बोहाइड्रेट जो है जिसमें CHO ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है, दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज एल्डोस. सो एल्डोसेस आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन एट लीस्ट वन CHO ग्रुप एट इन द मॉलिक्यूल. तो इस कार्बोहाइड्रेट में एक CHO ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है, तो इसका नाम हम रखेंगे एल्डोस. एल्डोस. और मैं दूसरा कंपाउंड लेता हूं CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH एंड CH2OH. आप यहां पे कार्बन चेक कीजिए, 1 2 3 4. तो यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं 3 टाइम्स ये ले लेता हूं CHOH होल 3. ये 3 कार्बन आ गए, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन. ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड इट इज आल्सो ए मोनोसैकेराइड, लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है बीच में, दैट इज कीटोनिक ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ग्रुप. और ये कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, दिस इज कॉल्ड एज कीटोस. कीटोस. तो देख लीजिए बेटा, ये वाला कार्बोहाइड्रेट इट कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप, इट इज कॉल्ड एज एल्डोस. एल्डोस. एंड दिस कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन्स कीटोनिक ग्रुप एट कार्बन नंबर 2, दिस वन इज कॉल्ड एज कीटोस. तो ये एल्डोस है और ये कीटोस है. आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि हम एक एल्डोस को कैसे एक कीटोस में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो द लेक्चर, टुडेज लेक्चर विल बी रिगार्डिंग द कन्वर्शन ऑफ एल्डोस इनटू अ कीटोस. लेकिन इस टॉपिक का जो नाम रखा गया है वो एक बेहतरीन नाम दिया गया है इसको, या तो हम सीधे इसको कह सकते हैं एल्डोस कीटोस ट्रांसफॉर्मेशन. टुडेज लेक्चर दैट विल बी एल्डोस कीटोस ट्रांसफॉर्मेशन. हम एक एल्डोस को कैसे एक कीटोस में कन्वर्ट करें, तो टॉपिक का नाम आएगा एल्डोस कीटोस ट्रांसफॉर्मेशन. या इसी टॉपिक का और एक नाम रखा गया है लॉबरी डिब्रोन एल्बेड्रा वैन इकनस्टीन ट्रांसफॉर्मेशन. ये देख लीजिए बेटा, अगर हम एक एल्डोस को कीटोस में कन्वर्ट करें, सो इट विल बी कॉल्ड एल्डोस कीटोस ट्रांसफॉर्मेशन. और इसी ट्रांसफॉर्मेशन का और एक नाम रखा गया है लॉबरी डिब्रोन एल्बेड्रा वैन इकनस्टीन ट्रांसफॉर्मेशन. दिस कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल्डोस इनटू अ कीटोस. यानी कि हमें खाली ये पढ़ना है कि हम एक एल्डोस को कैसे एक कीटोस में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट विल बी आवर टुडेज लेक्चर. तो देख लीजिए, अगर हमें एक एल्डोस को एक कीटोस में कन्वर्ट करना हो, इफ वी हैव टू कन्वर्ट एन एल्डोस इनटू अ कीटोस, ये कन्वर्शन हो जाता है इधर इन एसिडिक मीडियम. ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, ये बेसिक मीडियम में भी हो सकता है, बेसिक मीडियम में भी हो सकता है, और ये कन्वर्शन न्यूट्रल मीडियम में भी हो सकता है. सो याद रखना, वी कैन कन्वर्ट एल्डोस इनटू कीटोस इधर इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम एज वेल एज इन न्यूट्रल मीडियम. सो वी कैन कन्वर्ट एल्डोस इनटू कीटोस इन द ऑल थ्री मीडिया, वेदर इट इज एसिडिक, बेसिक
और न्यूट्रल। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हम एक एल्डोस को एक कीटोस में कन्वर्ट करते हैं। सो आई विल टेक हियर सी एच ओ ग्रुप, सी एच ओ एच, सी एच ओ एच। एक चीज करते हैं इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूं। सी एच ओ ग्रुप तो आ गया एल्डिहाइड ग्रुप, फिर मैं लिखूंगा सी एच ओ एच, सी एच ओ एच होल थ्री, सी एच ओ एच होल थ्री एंड सी एच टू ओ एच। आप मेरा चेक कर लो, ये जो कंपाउंड मैंने बनाया है यहां पे, इसमें कितने कार्बन है? ये यहां पे थ्री कार्बन एटम्स, फोर्थ कार्बन एटम, फिफ्थ कार्बन एटम एंड सिक्स्थ कार्बन एटम। इसमें छह कार्बन एटम्स है और साथ में यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप है। तो छह कार्बन एटम्स होने के साथ साथ इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, सो इट इज योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फार्मूला होती है C6H12O6। अब चेक करो, यहां पे भी कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और छह कार्बन वाला कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज और इट विल आल्सो बी कॉल्ड एज एल्डोस। इसका और एक नाम पड़ेगा एल्डोस या एल्डोहेक्सोस भी कह सकते हैं। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तभी मैंने एल्डोस कहा, इसमें छह कार्बन है, मैं कह सकता हूं इट इज एन एल्डोहेक्सोस। अब देख लीजिए आप, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है सी एच ओ ग्रुप, इसको मैं खोल के लिख लेता हूं ऐसे सी एच डबल बॉन्ड ओ, दिस इज सी एच ओ, सी एच ओ ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप। सो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग दिस कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप एट द सेम टाइम इट कंटेन्स सिक्स कार्बन एटम्स, दैट मीन्स इट इज एल्डोस एंड इसकी एग्जाम्पल क्या आएगी? ग्लूकोज। अब देखो इसी कंपाउंड को, एल्डोस को, ग्लूकोज को कैसे हम कीटोस में कन्वर्ट करते हैं, तो देख लीजिए यहां पे क्या होगा। दिस कंपाउंड कंटेन्स सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप में से ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाएगा। ऑक्सीजन विल टेक द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन ऑफ द बॉन्ड, वन ऑफ द डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले जाएगा। अब समझो, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इट विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेप्शन। जब कार्बन इलेक्ट्रॉन डेप्शन बनेगा इट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा यहां से। अब देख लो ये जो रिएक्शन की इनिशिएट की है वो किसने इनिशिएट की है? ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए थे। जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए और फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके लॉस हो गए? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए हाइड्रोजन के। तो ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ एच पॉजिटिव। यही हाइड्रोजन जिसके इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए यही हाइड्रोजन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ एच पॉजिटिव। जब हाइड्रोजन एच पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो यहां पे क्या रहेगा? यहां पे हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन सी, और यहां पे डबल बॉन्ड के बदले अब सिंगल बॉन्ड रहेगी, सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गेन हो गए तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। और यहां पर देख लो बेटा, कार्बन जो है एक साइड से इसके इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, दूसरे साइड से इसके इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो इसका लॉस भी हो रहा है और गेन भी हो रहा है, तो ये न्यूट्रल रहेगा क्योंकि एक साइड से लॉस हो रहा है दूसरे साइड से गेन हो रहा है, तो ये न्यूट्रल रहेगा कार्बन। और यहां पे एक बॉन्ड अपनी थी, अब ये हाइड्रोजन की बॉन्ड भी शिफ्ट हो रही है तो यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगी, डबल बॉन्ड। अब यहां पर क्या है? कार्बन, सी हियर वी आर हैविंग कार्बन। कार्बन के साथ यहां पे हाइड्रोजन था लेकिन उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, वो हाइड्रोजन बाहर निकला इन द फॉर्म ऑफ एच पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन आप इसके साथ नहीं लिखोगे, खाली यहां पे आएगा OH, ये आएगा OH। अब नीचे जाओ, नीचे क्या है? CHOH होल थ्री और नीचे आएगा CH2OH। अब देख लो, ये आपका एल्डोस था, यू हैव स्टार्टेड द रिएक्शन फ्रॉम एल्डोस। आपने एल्डोस में ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज के इस ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन के इलेक्ट्रॉन लॉस हुए थे और ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके यहां पे डबल बॉन्ड बना रहा है और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जब लॉस हुए इट इज कन्वर्टेड इनटू एच पॉजिटिव। अब ये कार्बन, इस कार्बन को एक साइड से लॉस हो रहा है दूसरे साइड से गेन हो रहा है तभी ये कार्बन यहां पे न्यूट्रल है।
तो अब देख लो क्या होगा, एल्डोस हैज बीन कन्वर्टेड इन दिस एनायन, एल्डोस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनायन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसका हम नाम रखेंगे एनायन। अब क्या होगा, दिस नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड एच पॉजिटिव, ये एच पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये एच पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, ये इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एच पॉजिटिव को, और यहां पे एक नया स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। देख लो स्ट्रक्चर कैसा होगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इस एच पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये हाइड्रोजन इसी के पास जाके ओ नेगेटिव एंड एच पॉजिटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, दे विल फॉर्म ओ एच, ये एच पॉजिटिव इसके पास जाके इसको न्यूट्रलाइज करेगा और यहां पे ओ एच बनेगा, साथ में यहां पे डबल बॉन्ड सी एच ओ एच और ये सी एच ओ एच होल थ्री एंड सी एच टू ओ एच। देख लो ये जो आपका एनायन था ओ नेगेटिव, इसने एच पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, ये एच पॉजिटिव इसी के पास जाके ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करके बनाएगा ओ एच। अब देख लो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा, यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के बदले हम लिखेंगे ईन, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के बदले लिखेंगे ईन, और कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर टू, कार्बन वन और कार्बन टू के बीच में है डबल बॉन्ड, मैंने लिखा ईन, कार्बन नंबर वन के साथ भी ओ एच, कार्बन नंबर टू के साथ भी ओ एच, ये इसका नाम पड़ेगा ईन वन टू डाइऑल, तो यहां पे ईन डाइऑल बना। आपका जो एल्डोस था, एल्डोस में से एच पॉजिटिव निकला और वही एच पॉजिटिव इस एनायन के साथ लिंक हो गया ओ नेगेटिव के साथ, और वहां पे क्या बना, ईन, ईन वन टू डाइऑल, यहां पे ईन वन टू डाइऑल बना। सो आपका एल्डोस जो है वो ईन डाइऑल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमें एल्डोस को कीटोस में, सॉरी एल्डोस को कीटोस में कन्वर्ट करना है, लेकिन कीटो एल्डोस का कीटोस में कन्वर्ट होने से पहले आपको यहां पे ईन वन टू डाइऑल मिल रहा है। सो आपका जो एल्डोस है वो अब एल्डोस नहीं रहा, क्योंकि यहां पे अब सी एच ओ ग्रुप है ही नहीं, तो आपका एल्डोस खत्म हो गया। एल्डोस खत्म होने के बाद आपको यहां पे क्या मिल रहा है, ईन वन टू डाइऑल, डाइऑल मतलब दो ओ एच ग्रुप, कार्बन नंबर वन के साथ एक ओ एच, कार्बन नंबर टू के साथ दूसरा ओ एच, इस कंपाउंड का नाम पड़ेगा वन टू ईन डाइऑल, तो यहां पे आपका एल्डोस ईन डाइऑल में कन्वर्ट हो गया। बेटा आपने जो रिएक्शन स्टार्ट की थी ना, वो आपने एल्डोस से स्टार्ट की थी, ग्लूकोज से स्टार्ट की थी, लेकिन अब आप यहां पहुंच गए, एल्डोस से आप यहां पहुंच गए, यहां पे अब एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं, तो अब ये एल्डोस नहीं है, इसका नाम क्या पड़ा, ईन वन टू डाइऑल, तो आपका एल्डोस ईन वन टू डाइऑल में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं एक चीज करता हूं, ये जो कार्बन नंबर टू है यहां पर, कार्बन नंबर सेकेंड, कार्बन नंबर सेकेंड जो है यहां पर, कार्बन नंबर सेकेंड के साथ जो ओ एच है इसको मैं थोड़ा खोल के लिख लेता हूं, ओ सिंगल बॉन्ड एच, ओ एच। अब देख लो, यू नो दैट ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एट है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सिक्स, सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिए, जब दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिए तो यहां पर इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका ईन डायोल है, ईन डायोल, ये जो ईन डायोल वाला कंपाउंड है यहां पे आप चेक कर सकते हो, दिस इज कार्बन नंबर वन, दिस इज कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर टू, ये मैं कार्बन नंबर वन इसको लिख लेता हूं, कार्बन नंबर टू इसको लिख लेता हूं, कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू और ऑक्सीजन को मैं नंबर थर्ड दे देता हूं, यहां पर तीन एटम्स है, कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू और ऑक्सीजन नंबर थ्री, इन थ्री एटम्स के बीच में रेजोनेंस होती है। आप देख लो यहां पे, यहां पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जब एक साथ हो तो मॉलिक्यूल में क्या है, कंजुगेशन, और जहां पे कंजुगेशन होती है वहां पे रेजोनेंस होगी, तो यहां पे रेजोनेंस होगी। आई विल यूज डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड, आप देखो ईन डायोल, ईन डायोल जो है, ईन डायोल,
इन डायल में यहां पे कंजुगेशन है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, इट इज कॉल्ड कंजुगेशन। तो अब जब यहां पे कंजुगेशन है तो यहां पे रेजोनेंस होगी। अब रेजोनेंस में क्या होगा, दिस ऑक्सीजन एटम कंटेनिंग टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगी और ये वाली पाई बॉन्ड जो है कार्बन नंबर वन अपनी तरफ ले जाएगा। देखो रेजोनेंस, शिफ्ट ऑफ लोन पेयर एंड शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड, यहां पे रेजोनेंस हो रही है। ये ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा और यहां से एक पाई बॉन्ड कार्बन अपनी तरफ ले जाएगा। तो यहां पे लोन पेयर शिफ्ट होने के साथ साथ एक पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रही है, तो यहां पे रेजोनेंस हो रही है। जब रेजोनेंस हो रही है तो यहां पे एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। सी कार्बन नंबर वन, हियर इट इज कार्बन नंबर वन, इसके साथ यहां से हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और यहां से OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है यहां पे, ठीक है। और कार्बन नंबर वन की बॉन्ड किसके साथ थी, कार्बन नंबर टू के साथ, कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर टू के साथ इनके बीच में डबल बॉन्ड थी, लेकिन एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने लिए, कार्बन नंबर वन ने लिए, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। कार्बन नंबर वन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पे डबल बॉन्ड के बदले यहां पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगी। अब ये वाला कार्बन जो है इसको एक साइड से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, दूसरे साइड से इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगी, यहां से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे, डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू डबल। और यहां पे ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन का ये लोन पेयर अपनी जगह है और यहां पे हाइड्रोजन। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो इस ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देख लो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा सी एच ओ एच होल थ्री, सी एच ओ एच होल थ्री और उसके नीचे आएगा सी एच टू ओ एच। अब यहां पे चेक करो कार्बन नंबर वन के इलेक्ट्रॉन, कार्बन नंबर वन के इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो इसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये बन जाएगा अनस्टेबल। सो ड्यू टू रेजोनेंस द शिफ्ट ऑफ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस and due to this resonance there is the development of positive charge on oxygen and oxygen being electronegative, jab electronegative atom pe positive charge aayega the substance will become unstable, to ye substance unstable banega। ab main isko hata deta hu, aapke paas ban gaya unstable ion jis pe oxygen pe aa gaya positive charge, electronegative atom pe agar negative charge hota to stable hota, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये अनस्टेबल होगा। जब ये अनस्टेबल होगा ऑक्सीजन, देख लो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये ऑक्सीजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ये चाहेगा मैं इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करूं। न्यूट्रलाइज कैसे होगा पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, गेन कैसे करेगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब जब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, फिर पॉजिटिव, और यही पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन के पास जाएगा। This positively charged hydrogen, it will now move towards negatively charged carbon, और यहां पे एक नया structure बनेगा। ये चीज फिर से समझ लो, oxygen पे कौन सा charge है, positive charge है, तो oxygen पे positive charge मतलब electron deficient है, तो ये electron deficient oxygen अपने hydrogen से electron लेगा, जब ये hydrogen से electron लेगा ये तो neutralize बन जाएगा, लेकिन hydrogen के electron loss हो रहे हैं, जब hydrogen के electron loss होगी तो इस पे positive charge जाएगा और यही positively charged hydrogen फिर किसके पास जाएगा, C negative, negatively charged carbon के पास जाएगा और एक नया structure देखने को मिलेगा। C, this is carbon number one पे यहां पे एक हाइड्रोजन अपना है और का ये वाला हाइड्रोजन भी इसी कार्बन के पास ही जाएगा और इसके पास एक और हाइड्रोजन आएगा, साथ में यहां पे OH ग्रुप है, OH ग्रुप और नीचे C डबल बॉन्ड O। अब देखो ऑक्सीजन के नीचे एक लोन पेयर है, इसने बॉन्ड में से दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक और लोन पेयर आएगा, साथ में इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, सी एच ओ एच होल थ्री, इट वॉज ऑलवेज न्यूट्रल, सी एच टू ओ एच। अब देख लो बेटा ये जो ऑक्सीजन है इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये न्यूट्रलाइज बन गया,
लेकिन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आता, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन मूव्स टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज कार्बन एंड बोथ गेट न्यूट्रलाइज्ड एंड दे फॉर्म ए न्यू सी एच बॉन्ड। यहां पे नई सी एच बॉन्ड बन रही है। तो ऐसे करके आपका जो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जो है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। जब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, आप यहां पे चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ये जो मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। कार्बन नंबर वन पे कितनी हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, तो मैं लिखूंगा इसके बदले सी एच टू। कार्बन नंबर वन पे दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, मैंने लिखा सी एच टू और यहां पे ओ एच, ये बनेगा सी एच टू ओ एच, सी एच टू ओ एच। अब कार्बन नंबर सेकंड पे देख लो, कार्बन नंबर सेकंड पे सी डबल बॉन्ड ओ कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी डबल बॉन्ड ओ, और नीचे क्या है सी एच ओ एच, सी एच ओ एच होल थ्री, और अब यहां पे आएगा नीचे, इससे भी नीचे सी एच टू ओ एच, सी एच टू ओ एच। अब देख लो ये जो लास्ट में आपको कंपाउंड मिल रहा है, इसमें कार्बन नंबर सेकंड पे कीटोनिक ग्रुप आ गया, जब कीटोनिक ग्रुप आ गया और इट विल बी कॉल्ड एज कीटोस। तो आपने स्टार्ट किया था एल्डोस से, एल्डोस से आपने जब स्टार्ट किया तो वहां पे पहले इन डायोल बना, इन डायोल की रेजोनेंस हुई, तो रेजोनेंस के बाद आपको क्या मिला, कार्बन नंबर सेकंड पे कीटोनिक ग्रुप। जब इस कंपाउंड में अब कीटोनिक ग्रुप आ गया है तो आपका एल्डोस जो है वो कीटोस में कन्वर्ट हो गया है। इसी रिएक्शन का नाम पड़ता है एल्डोस कीटोस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपने इस रिएक्शन में एक एल्डोस को कीटोस में कन्वर्ट किया, लेकिन याद रखना एल्डोस डायरेक्टली कीटोस में कन्वर्ट नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डोस इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू इंडायोल एंड दैट इंडायोल इज देन कन्वर्टेड इनटू कीटोस बाय द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज एल्डोस कीटोस ट्रांसफॉर्मेशन, या इसी का हमने नाम रखा था लॉबरी डिब्रून एल्बेड्रा वैन इकनसिटीन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने एक एल्डोस को कीटोस में कन्वर्ट किया थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इन वन टू डायोल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस एल्डोस कीटोस ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट में चलते चलते मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, लास्ट में मैं आपको एक चीज समझाता हूं, वो चीज याद रखना, रिड्यूसिंग शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर्स हम किन्हें कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में आपको एक बात बताता हूं मैं, रिड्यूसिंग शुगर्स हम किन्हें कहते हैं याद रखना बेटा, रिड्यूसिंग शुगर्स वो कार्बोहाइड्रेट्स है विच एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो कि टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करे या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करे या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करे। यहां ऐसे समझना, रिड्यूसिंग शुगर्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, which act as reducing agents, याद रखना reducing sugars are the carbohydrates which act as reducing agents, यानी कि जो reducing agent act करे and they can reduce tolerance reagent into silver, they can reduce Fehling solution and Benedict solution। आपको याद होगा आप 12th की organic chemistry में जब aldehydes और कीटोन्स पढ़ोगे, या अगर किसी ने पढ़ा होगा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पे आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो उन एल्डिहाइड्स कीटोन्स को हम रिड्यूसिंग एजेंट्स मानते हैं, स्पेशली एल्डिहाइड्स नॉट कीटोन्स। एल्डिहाइड्स जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस करते हैं, वो फेलिंग सॉल्यूशन का ब्लू कलर भी डिस्चार्ज करते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का भी ब्लू कलर डिस्चार्ज करते हैं बाय रिडक्शन। तो एल्डिहाइड्स को हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। इसी तरह कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं विच कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक एल्डिहाइड्स, दे कैन ऑल्सो रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन। सच कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर्स। तो उनमें एग्जाम्पल कौन कौन आती है, एक एग्जाम्पल आती है ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट।
इट ऑल्सो कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन। इसमें एग्जाम्पल आती है फ्रैक्टोज भी, फ्रैक्टोज भी इसमें आता है, एंड ग्लूकोज आता है, फ्रैक्टोज आता है, या इसमें फॉर एग्जाम्पल वर्बेस्कोस आता है, वर्बेस्कोस आता है एटसेट्रा। बाकी एग्जाम्पल्स आप खुद से भी ले सकते हो। तो याद रखना ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, वर्बेस्कोस, ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है जिनका नाम मैंने क्या रखा, रिड्यूसिंग शुगर्स, दीज आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स और दोज शुगर्स विच एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड दे कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड फेलिंग सॉल्यूशन। इसके अलावा और एक टर्म में चलते चलते आपको समझा देता हूं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हम किन्हें कहते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच डू नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। वो रिड्यूसिंग एजेंट्स एक्ट नहीं कर पाते, लाइक एल्डिहाइड्स। दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच डू नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट नहीं करते, दैट मीन्स दे कैन नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, दे कैन नॉट डिस्चार्ज द ब्लू कलर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। सच कार्बोहाइड्रेट्स विच डू नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स दे आर कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। में एग्जाम्पल्स आप याद रखना, इसमें एक एग्जाम्पल आती है सक्रोस जो है इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। It does not act as reducing agent. It does not reduce tolerance reagent. It does not reduce Benedictus or Thalinus solution. इसमें और एक example आती है raffinose. It is also a non-reducing sugar. और all polysaccharides. जितने भी polysaccharides है, polysaccharides में आपको याद होगा, पॉलीसेकेराइड्स में सेलुलोस आता है, स्टार्च आता है, एमाइलोस, एमाइलोपेक्टिन आता है, ग्लाइकोजन आता है, वो सारे पॉलीसेकेराइड्स जो है इंक्लूडिंग सक्रोस और रैफिनोस, ये डाइसेकेराइड है और या ओलिगोसेकेराइड, ये दोनों है पॉलीसेकेराइड्स जितने भी है, सेलुलोस, स्टार्च, ग्लाइकोजन, दे ऑल एक्ट एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ये जो सक्रोस है, रेफिनोस है या पॉलीसेकेराइड्स जो है, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स एक्ट नहीं करते और आपके टॉलरेंस रिएजेंट या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फेलिंग सॉल्यूशन को ये रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। हमें बायोमोलिक्यूल्स में, मैंने आपको पहले ही कहा था, एक तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं, दूसरा हमें प्रोटीन्स के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, और फिर हमें न्यूक्लिक एसिड या वाइटामिन्स या एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हमने आज तक कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े और आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स के रिलेटेड सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। जितना भी कंसेप्ट आपको ट्वेल्थ के लिए चाहिए था, नीट के लिए या किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए, जितना भी आपको बायो कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ना था वो हमने क्लियर कर दिया। इसके बाद जो पोर्शन अब हम स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी प्रोटीन्स। कल से हम प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आते हैं जल्दी एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड खुदा हाफिज़।